हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वक्त मैं हूं दुबई में अपने बचपन के और सबसे अजीज दोस्त शाहबाज के साथ, जो कि पिछले कुछ सालों से यहीं पर स्थित है। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 एमिरेट्स में से एक है एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट इज फर्स्ट लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। दुबई शहर जाना जाता है यहाँ के स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा यहीं पर स्थित है और दुनिया की कुछ सबसे महंगी होटल्स भी यहीं पर बनी हुई है। दुबई में टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कुछ है। यहाँ पर बीच है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर नाइट लाइफ है, यहाँ पर कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलिए एक्सप्लोर करते हैं दुबई शहर को। इस वक्त हमें यहाँ के काइट बीच पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट भी हैं, और जैसे कि आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, ये है बुर्ज अल अरब होटल, जो कि दुनिया की कुछ सबसे महंगी 5-स्टार होटल्स में से एक है। इस वक्त हम हैं यहाँ के सुक अल मदीनाथ मॉल में, जिसे अरेबिक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया है। यहाँ पे आप अरब की पुरानी संस्कृति की झलक भी देख सकते हैं। इस मॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यहाँ पर कई सारी ट्रेडिशनल अरेबिक स्टाइल की चीजें भी मिलती है। अब वक्त है दुबई मेट्रो में ट्रेवल करने का। तो इस वक्त हम ट्रेवल कर रहे हैं दुबई मेट्रो में और हम जा रहे हैं दुबई मॉल। दुबई मेट्रो यहाँ का सबसे कन्वीनियंट और सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है और ये दुबई के काफी एरियाज में चलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक मेट्रो है, यानी कि इसमें कोई ड्राइवर या मोटर में नहीं होता, ये पूरी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग से ऑपरेट होती है। मेट्रो से आपको दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्काई स्क्रेपर्स का बहुत ही जबरदस्त नजारा दिखाई देता है। इस वक्त हमें दुबई मॉल में, जो कि यूएई का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मॉल है, इस मॉल में 1200 से भी ज़्यादा दुकानें हैं और यहाँ शॉपिंग के साथ साथ और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फूड जोन है, कई सारे गेमिंग ऑप्शंस है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स है, 3D, 4D, 5D। यहाँ पर यहाँ का सबसे बड़ा थिएटर भी है जिसमें 27 स्क्रीन है। और इतना ही नहीं, इसके बाहर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी है और इसके बाहर ही म्यूजिकल फाउंटेन शो भी कंडक्ट होता है रोज शाम को। दुबई मॉल में शॉपिंग और फूड के अलावा भी बहुत कुछ है। यहाँ पर यहाँ का सबसे बड़ा गेम जोन है, जहाँ पर बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए कई सारे अलग अलग गेमिंग ऑप्शंस अवेलेबल है और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग भी है। सो फाइनली अवर लंच इज़ रेडी एंड वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू टुडे। ये है मैक्सिकन बुरीटोस और ये है न्यूयॉर्क फ्राइज, बहुत ही डिफरेंट आइटम है। लेट्स ट्राई, दिस इज न्यूयॉर्क फ्राइज। इस डिश का नाम है इमली एंड इट हैज़ फ्रेंच फ्राइज विद लॉट ऑफ डिफरेंट फीलिंग, वेजिटेबल्स हैं एंड 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉस एंड क्रीम। लेट्स टेस्ट दिस।
यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्वेरियम और अंडर वाटर जू भी है। I don't think this needs an introduction. ये बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी हाइट करीब 828 मीटर है और उसमें 163 फ्लोर्स है। टूरिस्ट की एंट्री इसमें 124th और 148th फ्लोर तक अलाउड है। बुर्ज खलीफा से दुबई शहर का बहुत ही रोमांचक नजारा दिखाई देता है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर करीब 45 डिग्री के आसपास है, सच में बहुत ही गर्म है। तो और इस तड़पती गर्मी में कुछ ठंडा हो जाए। यहाँ पे करीबन मई से गर्मी शुरू हो जाती है, फिर अगस्त तक गर्मी बहुत ही ज़्यादा रहती है। टूरिस्ट को अगर इधर दुबई घूमने आना है तो उनके लिए सबसे बेहतर टाइम है मतलब नवम्बर दिसंबर और जनवरी, और बीच में 31 दिसंबर भी जो आ जाता है उसका सेलिब्रेशन भी इधर में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। जो आपने देखा होगा टीवी में बुर्ज खलीफा में फायरवर्क्स होता है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फायरवर्क्स में से एक है। तो मई से लेके अगस्त सितंबर तक बहुत गर्मी रहती है राइट, और अक्टूबर के बाद करीब यहाँ पे विंटर सीजन स्टार्ट होती है। तो नवम्बर से लेकर जनवरी बेस्ट टाइम है यहाँ पर आने का। सब वक्त है म्यूजिकल फाउंटेन शो का, जो कि बिल्कुल दुबई मॉल के बाहर होता है। रोज शाम को यहाँ पर ये म्यूजिकल फाउंटेन शो परफॉर्म किया जाता है, जिसकी शुरुआत शाम को 6 बजे से होती है और ये 12 बजे तक हर आधे घंटे के डिफरेंस में परफॉर्म किया जाता है। इस टाइप के फाउंटेन शो दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा लास वेगास में। एंड इनफैक्ट दिस शो इज़ द लार्जेस्ट कोरियोग्राफ म्यूजिकल फाउंटेन शो इन द वर्ल्ड। यहाँ पर फाउंटेन्स को अरेबिक, इंग्लिश और बॉलीवुड के गानों के ऊपर कोरियोग्राफ किया गया है और ड्यूरिंग द शो पानी करीब 500 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाता है। अब हम पहुंच गए दुबई सिटी वॉक में, जो कि जुमेरा रोड और शेख जायद रोड के बीच में बना एक नाइट लाइफ डेस्टिनेशन है। ये एक छोटा सा एरिया है पर नाइट लाइफ के लिए बहुत ही अपनिंग जगह है। दुबई में ज़्यादातर लोग पूरा दिन काम करते हैं और रात को एंजॉय करना और शॉपिंग करना पसंद करते हैं। सिटी वॉक यहाँ का एक नाइट लाइफ पार्टी हब है। यहाँ पर कई सारे बार, पब्स और रेस्टोरेंट्स हैं और एक बहुत ही बड़ा गेम जोन और मॉल भी है।
आज का हमारा दिन बहुत ही बेहतरीन रहा। अब वक्त है वापस जाकर आराम करने का, ताकि कल हम दुबई के कुछ और एरियाज को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें।